उत्तराखंड के दक्षिण भारत में केरल राज्य में निपाह वायरस के दस्तक से दो लोगों की मौत हो चुकी है। 10 राज्य में इसका पॉजिटिव पाया गया। इसी को लेकर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में भी हाईलाइट किया निपाह वायरस। एक जेनेटिक वायरस जानवरों से इंसान में फैलने वाला वायरस है जो जानवरों से इंसानों के बीच फैलता है। ये मुख्य रूप से चमगादड़ों के माध्यम से फैलता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज शर्मा ने कहा, हमारे जिले व प्रदेश में कहीं भी अभी तक मरीज नहीं मिला है, फिर भी हम अपने जिले की जनता से अपील करना चाहते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसकी दक्षिण भारत में दस्तक हुई है, जिसके लक्षण सिर दर्द करना, बुखार, उल्टी आना, हाथ पैरों में दर्द होना। यदि किसी में इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं तो तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। मेरा नाम सुनीता मंडल है। मैं यहाँ पे शादी करके 4 साल हो गए मैं आई हुई हूँ। तब से मैं यहाँ पे इस पेड़ से चमगादड़ को ही लटका हुआ देखती हूँ। और यहाँ पे जब से मंदिर भी बना है वहाँ पे लोग पूजा भी नहीं कर पाते हैं। कोई रास्ते से चलता है उनके ऊपर भी ये लोग गंदा कर देते हैं। सबके घर में गंदगी होती है, शोर शराबा पूरा दिन होता रहता है। देखिए, अभी तक कोई इस तरह का केस यहाँ पे नहीं देखा गया है। निपाह वायरस के उसका कोई केस अभी तक नोटिस में नहीं आया। तो लोगों से मेरी यही अपील है कि जो फल जो भी वो खाते हैं वो देख लें कि उस पर किसी तरह का कोई निशान तो नहीं है, किसी पक्षी के द्वारा खाया हुआ तो नहीं लग रहा है, तो वो उसको देख लें, अच्छी तरह से साफ़ करके सब सब्जी और फलों को अच्छे से साफ़ करके खाएं। और कहीं पे ऐसा कोई गले का निशान है या कोई कट मार्क है उसके ऊपर तो उसको वहाँ से उसको हटा लें, साफ़ करके स्वच्छ करके ही खाएँ। अभी तक कोई केस हमारे यहाँ पर नोटिस नहीं हुआ है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।